आम चुनावों के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की खामियां चुन चुन कर निकाल रहे हैं और यूपी में तो ये वार पलटवार खूब चल रहा है, जिसमें एक ओर पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी हैं और दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी। प्रियंका गांधी ने इस बार गन्ना किसानों के बहाने मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा है, जिसका जवाब सीएम योगी ने ट्वीट से दिया है। चुनावी लड़ाई में अब गन्ने का प्रवेश हो चुका है और गन्ने की मिठास आरोपों की कड़वाहट में गुम हो रही है। मोदी सरकार की नीतियों पर प्रहार कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब गन्ना किसानों के बहाने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि गन्ना किसानों के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन यूपी सरकार उनके भुगतान का भी जिम्मा नहीं लेती। उन्होंने कहा कि ये चौकीदार सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की इन्हें परवाह नहीं है। प्रियंका के इस अटैक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया है। उन्होंने गन्ना किसानों की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पुरानी सरकारों को जिम्मेदार बताया है। प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना योगी ने ट्वीट किया कि किसानों के ये तथाकथित हितैषी तब कहां थे जब 2012 से 2017 तक किसान भुखमरी की कगार पर था। इनकी नींद अब क्यों खुली है? चुनावों तक ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही चलेंगे। देखना ये है कि इसमें किसानों का कुछ भला होता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।